राजधानी के नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेसवार्ता ली है, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था पर बयान देते हुए कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के शासनकाल में अपराधियों का बोलबाला था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर बृजमोहन अग्रवाल का बयान। निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। इसके पहले उड़ीसा राज्य में जिम्मेदारी दी गई थी, उसको भी हम अच्छी तरीके से निभा कर आए हैं। वहाँ पर सरकार बनी, देखिए आने वाले समय पर चार राज्यों में चुनाव होने वाला है। दो राज्यों का चुनाव घोषित हो गया है, हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का। और जो देश में वातावरण है वो वातावरण दिखाई देता है कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और वो सरकार बनकर अब राज्यसभा में भी बीजेपी का बहुमत हो गया है, लोकसभा में तो पहले से बहुमत था। तो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं जनहितकारी, उन योजनाओं के आधार पर लोग फिर से इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 31 अगस्त को भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं, फिर से एक बड़ी सभा करेंगे रायपुर में, किस तरह का देखते हैं? आए, अच्छा स्वागत है, परंतु अगर कानून व्यवस्था को चैलेंज करेंगे तो जो कानून के अनुसार कार्रवाई है वो उनके खिलाफ भी होगी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हमला वाला, उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में मामला उठाया था, उस पर चर्चा नहीं हुई। भाजपा के नेता पर रेल और सवार शराब को लेकर आदिवासियों की गिरफ्तारी हो रही है, इस तरह की बातें हैं, पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई, इस तरह के सवाल उन्होंने किए। देखो, कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए कि उनके समय पर किस प्रकार से रायपुर शहर चाकूकूट बन गया था, किस प्रकार से आदिवासी बच्चियों के साथ में अनाचार हो रहा था, किस प्रकार से कांग्रेस के नेता पुलिस के अधिकारियों के साथ में मारपीट कर रहे थे, जमीनों पे कब्जा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के 24 साल के इतिहास में जितनी बुरी स्थिति कांग्रेस के राज में हुई है उतनी खराब स्थिति कभी नहीं रही है। और आज तो लोग अपना जीवन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं। अगर कोई भी अपराधी है, गलत काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप वाले हों, चाहे कोल घोटाले वाले हों, चाहे रेत घोटाले वाले हों, चाहे धान घोटाले वाले हों, अब सबको लग रहा है कि हमने जो गलत काम किया है उसकी सज़ा भुगतने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। और इसलिए जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं अब वो अपने दबड़ों में छुप गए हैं या छत्तीसगढ़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं। नक्सलवाद के ऊपर में भी नियंत्रण हुआ है। आज कांग्रेस के ज़माने में तो एक नक्सलवादी नहीं मारा जाता था, पिछले 8 महीनों में 125 से ज़्यादा नक्सलवादियों को मार गिराया है।